चाहिए, मुझे तेरी आशीष चाहिए, और तेरे रूप का मसा चाहिए। हालेलुया, ताली बजाओ दो। आज सब लोग अच्छा लग रहे हो, अपने हाथ तक उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तूने हमें संभाला, तूने हमें संभाला, तूने हमें सुरक्षित रखा, तूने हमें यहाँ लेकर आया, तूने हमें यहाँ लेकर, तू हमें ताकत दिया, तूने हमें ताकत, तू हमें बल दिया, तू हमें बल दिया, तू हमें शक्ति दिया, तू हमें शक्ति दिया, तू हमें सामर्थ्य दिया, सामर्थ्य दिया। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। कितने लोग परमेश्वर के लिए दीवाने हो, दीवाने है कि नहीं? आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, आज खुशखबरी है, आपके हर मुरादें पूरी होने वाली है। आज खुशखबरी है कि जो आस लगा कर आया है निराश होकर नहीं जाएगा, कहता है झोली फैला कर आए हैं, झोलियां भर के लेकर जाएंगे। आज वो दिन है, आज बरकतों का दिन है, आज मूड में होकर बजाना और गाना, नहीं तो तुम्हारा मूड बना दूंगा मैं। अपने सर पर हाथ रखो, हम प्रार्थना। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन, और जितने लोग तैयारी हो कर रहे हैं कि हम प्रभु तेरे से मिलने जा रहे हैं, वैसे मेरे परमेश्वर आज इनके ऊपर दया हो जाए। ये जो तुमसे मिलने आए हैं तैयार होकर आए हैं कि प्रभु आज हमें तुम्हें मिलना है, तुम्हारा जरूरत है, हो सकता है परमेश्वर उन्हें तुम मिल जाएगा। प्रार्थना करता परमेश्वर, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, इनके दुख इनके तकलीफों को ले ले अभी इसी समय, इनकी एक एक दर्द इन्हें छोड़ कर चले जाए, इनके कैंसर इनको छोड़ कर चले जाए, पथरिया छोड़ कर चले जाए, हर सूजन छोड़ कर चले जाए, कमर का दर्द छोड़ कर चले जाए, सर का दर्द छोड़ कर चले जाए, गरीबियां छोड़ कर चले जाए, परेशानियां छोड़ कर चले जाए, घुटने का दर्द छोड़ कर चले जाए, दांतों का दर्द छोड़ कर चले जाए, कैंसर छोड़ दे इनको, शैतान छोड़ दे इनको, एक एक बंदे टूट जाए इनका, एक एक रोग चले जाए इनका, गवर्नमेंट जॉब लग जाए इनका, पिता के साथ प्लस हो जाए, घर के साथ प्लस हो जाए, नौकरी के साथ प्लस हो जाए, बच्चे के साथ प्लस हो जाए, जो कुछ मांग रहे हैं पूरा हो जाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, बोलो आमेन, आमेन, बोलो आमेन, आमेन। आप यीशु का जय जयकारा लगाओगे, लगाओगे कि नहीं? कैसे लगाओगे? जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो। कौन जय बोलेगा? आगे वाला जय बोलो, आगे वाला जय बोलो, पीछे वाला जय बोलो, दाएं वाला जय बोलो, बाएं वाला जय, सब मिलके बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो। मेरा यीशु है,
मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो ओ यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जितने यीशु के नाम लेते हैं और जय बोलते हैं अपने पड़ोसियों को देख कर बोलो तू जय बोल आज तेरा दुख छोड़ के चला जाएगा। तू जय बोल तेरा दुख छोड़ के जाएगा तेरा गरीबी जाएगा तेरा बीमारी जाएगा। अपने पड़ोसी से बोलो तू जय श्री बोल। कहता है परमेश्वर का जय बोल तेरे घर में भी जय होगा। आप समझ रहे कि नहीं। कहता है मैं जय करने वाला परमेश्वर हूँ मैं फलवान करने वाला परमेश्वर हूँ। आपका दुख आज तक आपको रुलाया आपका दुख आज तक आपको परेशान किया आपका दुख आज तक आपको तंग किया लेकिन आज आपका जय होने का समय है। आप जय होने वाले यीशु मसीह का बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह कमाल का उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ वो विजय हुआ हालेलुया। आप सब चंगे हो चुके यीशु के नाम में। आज तक शैतान ने आपकी हंसी को चुरा रखा था लेकिन आज शैतान आपकी मुस्कान को चुराएगा नहीं। आज परमेश्वर आपको मुस्कान को वापस करने जा रहा है। बोलो आमेन। आमेन। और तालियां बजा के अपने स्थान पर बैठ जाओ। ओ कभी हूँ करके कभी हाँ करके कभी हाँ करके कभी हाँ करके सब तालियां बजा सब तालियां बजा बनवा करके सब तालियां बजा बनवा करके कभी आया करो मुस्कुराया करो कभी आया करो मुस्कुराया करो गीत मीठे मीठे यीशु गाया 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 करो। अपने स्थान लेकर बैठ जाओ। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने बीमारी को चेक कर लो जो आप समस्या लेकर आए थे अपने दर्द को अपने हाथों को कमर को चेक कर लो अपने बच्चों को चेक कर लो अपने आप को चेक कर लो अपने बॉडी को चेक कर लो अपने सूजन को चेक कर लो गिल्टी था पथरी था चलने में प्रॉपर्सी करो चेक कमर के दर्द चेक करो घुटने के दर्द चेक करो हर बीमारी चेक करो तुम्हारी बीमारी खत्म हो रहा है उसी टाइम में चेक की अभी कमर के दर्द से अभी आजाद हो चुकी है। कब से दर्द था कब से दर्द था दो महीना से दर्द था। अभी कैसा लग रहा है अभी अब दर्द नहीं है अभी दर्द ठीक हो गया। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। हम
छुटकारा 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 गवाही है ये बता रही कि 15 साल से कमर में दर्द था, 15 साल से कमर में दर्द था। जब इसको कमर में दर्द होता था उठा बैठना चलने बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पे जब आए आपने प्रार्थना कर रहे थे प्रोफेसी कर रहे थे उसी टाइम में बहन चेक किया अभी 15 साल के कमर के दर्द से बहन आजाद हो चुकी है बहन अभी ठीक है। हालेलुया ठीक है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। आज सबको सही लगेगा यीशु के नाम में। कितने लोग वचन पढ़ते हो बाइबल पढ़ते हो? कितने लोग किसमें जो वचन पढ़ता हो जिसके पास बुक हो बाइबल बुक हो और वो प्रभु को जानता हो? इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बटीजम लिए हुए हैं प्रभु के साथ चल रहे हैं? ऐसा है कोई? ओके परमेश्वर आपको जीवन में बड़ा करने जा रहे हैं। आमेन। कहता है जल्दी से मेरे पास आ जा। कहता है जल्दी आ जा। जी प्रॉफिट जी गवाहिया एक है ये बहन बता रही कि जब दर्द करता तो खाना भी अच्छा नहीं लगता था। 10 साल से बहन परेशान थी, काफी डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, दवाई खाती थी, फिर भी दर्द से ठीक नहीं हो पा रही थी। बहन आज यहाँ पे आई जैसे आपने वेदी पे से प्रोफेसी कर रहे थे कि दर्द चेक करो दर्द तुमको छोड़ कर जा रहा है, उसी टाइम में बहन दर्द चेक किया अभी बहन दर्द से फ्री हो चुकी है बहन। अभी अभी दर्द खत्म हो गया इसका? अभी छलांग मार रही थी तो दर्द जा रहा था। परमेश्वर ब्लेस करते हो। और हाँ चलो मैं गवाही ले लूंगा बाद में। जी हम बच्चन के सोका। हाँ जी प्रॉफिट जी 2 साल से इस बच्चे को 2 महीने से इस बच्चे को लेफ्ट साइड गर्दन में गिल्टी था, जो गिल्टी गल नहीं रहा था। जैसे आपकी प्रोपेसी हुई उसी टाइम में बच्चा रिसीव किया अभी ये 2 महीने के गिल्टी से आजाद हो चुका है। ओके आप सब अपने बीमारों को चेक करेंगे, अपने दुखों को चेक करेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखना अनंत जीवन है, शांति है। उस पर भरोसा रखो तुम बड़े गवाही के साथ आओगे। हाँ क्या गवाही है सर? क्या गवाही है? हालेलुया। हाँ ये बहन बाबली कुमारी झारखंड से आई है गवाही देने के लिए। झारखंड से आई है? जी हाँ। ये बहन झारखंड से आई है गवाही देने के लिए। ये बहन 26/4/2023 में आई थी। इनके पेट में काफी दिक्कत थी। जब आपने यहां से इनके लिए भविष्यवाणी किए ये बहन वहां खड़ा हुई और खड़ा होने के बाद जब इनके बारे में बताने के बाद आप कहे कि जो जिस लिए तुम आई हो जो मांग रही हो जाओ तुमको बच्चे का आशीष मिल जाएगा। ये बहन 26/11/2023 को यहाँ आई थी। हाँ। और आने के बाद आपसे ले एंड प्रार्थना करा के गई। आज ये बहन बच्चा लेके आई है। हालेलुया। कितने साल के बाद बच्चा पाई है? मैं पेट दर्द से परेशान थी उसी के लिए आई हुई थी। लेकिन मैं वहीं पर बैठी हुई थी आप आए और कपड़ा से हमको उठा दिए। हाँ, और हाँ, मेरा पेट का दर्द भी गायब हो गया और आपने कहा कि आपके द्वारा एक बच्ची मतलब बच्ची का आशीष आया है और उस बच्ची मतलब 1 साल के अंदर यही हुआ और उसको मैं सामने लाई हूँ। जो हम मांगे नहीं थे जो बीमारी के लिए आए थे वो तो ठीक हुआ ही, बिन मांगे हुई बच्ची भी मिल गई। जोर से ताली लगाइए इस बड़ी गवाही के लिए। ये तो इसका पर्चा मुझे ये झारखंड से आई है देखो। इसलिए मैं इस बच्चा का नाम भी मैं एंजल रखी हूँ जो प्रभु के द्वारा मुझे आशीष मिला और इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ इस बच्ची के साथ आई हूँ और पास्टर जी से इस बच्ची का आशीष मांगने आई हूँ और प्रभु के नाम के लिए मैं इस बच्ची को दान दे रही हूँ। बच्चे को कितने साल के बाद बच्चा तेरे को हुआ? 2 साल के बाद। ये कह रही है कि मैं बच्चे के लिए नहीं आई थी, मैं आई थी मेरे पेट में दर्द था, हम परेशान थे, काफी इलाज कराए थे, दर्द नहीं जा रहा था। कह रही है कि मैं दर्द के लिए आई थी कि आप मेरे लिए दुआ कर देंगे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। कह रही है कि आपके पास जब मैं आई तो आपने मुझे खड़ा किए, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे पेट का दर्द तो खत्म हो ही गया, आपने बोला कि तुम्हें बच्चा भी मिलने वाला है और कह रही है कि मैं बच्चा मांगी भी नहीं थी
लेकिन यहाँ से गई और परमेश्वर ने मेरे सुन लिया। हालेलुया। कहता है बिन मांगे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कहता है विश्वास रखो, तुम्हें पता हो या ना पता हो, परमेश्वर को सब पता है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। आप जो कुछ आप मांगते हो, आपको लगता है कि मैं जो मांगता वही मिल जाए, लेकिन प्रभु आपके लिए बड़ा योजना बना कर रखा है। सब बोला हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने इसे बच्चा दिया, कितना स्मार्ट बच्चा दे दिया, लेकिन स्मार्ट टीका लगाकर गड़बड़ कर दिया। ये टीका नहीं होना चाहिए, ये शैतानी है इसका, समझ गए, ये इसका नहीं चलेगा। और दोबारा इस पर नहीं ध्यान देना। इधर दिखा देता, देखो झारखंड से आई है बच्चे, इतना दूर होगा झारखंड, हम कभी गए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दिया कि नहीं, अगला फिर आशीष मिलने वाला है, अब की बार दूसरा खुशखबरी मिलने वाला है, मांगने से भी ज्यादा मिलने वाला है। ताली बजाओ ईश्वर के लिए। जाओ जाओ आशीष आपको ठहरे दे दो, इनको दे दो। हाँ पांच साल हो गया था, दोनों पैरों, पांच साल से दोनों पैरों में गठिया हो गया था। देखिए आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, दोनों पैरों में जो बेल्ट लगा हुआ था वो काफी दर्द से बहन परेशान थी पांच साल से। जैसे आपने प्रोपोजिशन की एक वेदी पर से चेक करो अपना बीमारी को, उठो बैठो चेक करो तुम्हारे बीमारी छोड़कर जा रहा है, उसी टाइम में बहन चेक किया, अभी बता रही है कि घुटनों के दर्द से आजाद हो चुकी है बहन, और बेल्ट खोल के भी अभी, अभी, अभी अभी कैसा लग रहा है बेल्ट खोल के चल रही है तो चल के दिखा, चल के दिखा। बना है जरूर का मसा, देखो यीशु की हजूरी में आ, बना है जरूर का मसा, यीशु की हजूरी में आ। ये बेल्ट कब से लगाई थी, कब से? पांच साल से। क्या दिक्कत आते को? उठ बैठ नहीं के जा, पैर से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता, कोई काम नहीं हो पाता है, और इसमें दर्द होता है। लेकिन अभी जब मैंने तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा था, तूने चेक किया, बेल्ट खोला, चेक किया, तो उसके बाद क्या लगा तेरे को? तो नहीं आराम बुझाता। अभी आराम बुझाता है, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें छूना और चंगा करना शुरू कर दिया। हाँ ले ले। आज से रोना नहीं, हंसना, ऐसे पैर पर हाथ रखा, ऐ बोल, ऐ बीमारी तू मुझे क्यों रुलाता है? तू नहीं रुलाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है। आमीन। जा थोड़ा सा दौड़ के देख, यीशु की हजूरी में बना है जरूर। गवाही के बहन के, ए बहन बता रही 20 साल से पेट में दर्द करता था, 20 साल से ए बहन के पेट में दर्द करता था, और जब दर्द करता था डॉक्टर ने चेक कराई, अब उसको आराम करने दो। प्रॉफिट जी डॉक्टर के चेक कराई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया, लेकिन कह दिया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराओ, क्या पता ऑपरेशन कराने से बात दर्द, उससे बात कर, उसके बाद क्या क्या हुआ? 10 साल हो गए ऑपरेशन पहले, तब दर्द जात नहीं, कपार चक्कर देता है, एड़ी पर से पूरा दर्द उठा ले भाई, पूरा हो जाता है, एड़ी टूट गई। अभी क्या हुआ, अभी क्या मुझे बता? अभी इतनी आई तो प्रार्थना करनी है, रिसीव करनी है तो दर्द आराम बा। अभी आपने रिसीव किया तो पहले से दर्द आराम लग रहा है? हां आराम बा, अब तान देता कूदता कूद नहीं के जा। पहले से आपको राहत लग रहा है? राहत बा। विश्वास कर, जब सुन मेरी बात को, जब तू यहाँ से घर जाएगी ये दुख तुझे यहीं छोड़ के चले जाएगा। मैं तू चेक कर लेना, विश्वास करके जा, जा अपने हो यीशु मसीह तेरा नाम, वो देता है सबको वरा, हो यीशु मसीह तेरा नाम। वो इसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन को ये था कि पेट में दर्द था, और डॉक्टर ने यही बोल रहा था कि जब तुम ऑपरेशन करा लोगी तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पेट के दर्द शायद ठीक हो सकता है, फिर भी यह दर्द से आजाद नहीं हो पा रही। जैसे आपने प्रोफेसी के उसी टाइम बहन चेक किया, अभी यह पेट के दर्द से बहन आजाद हो चुकी है। मैं समझ गया, मतलब जब इसको दर्द था तो डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने बोले कि तू ऑपरेशन करा लेगी तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द को ऑपरेशन हो गया लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। हर बात के लिए आप लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि हर बात है जो होता है, आप जल्दीबाजी करते हो, डर जाते हो, मुझे ये तकलीफ है, कभी प्रार्थना नहीं करते हो।
कभी प्रार्थना नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, ये नतीजा देखो। जिस बीमारी के लिए इसने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन हो गया, पैसा लग गया, दवा खा ली, लेकिन वो दर्द खत्म नहीं हुआ। कहाँ से आई है तुम? रामपुरवा से, चितौनी के बीच में से। ओके, अब तू परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस परमेश्वर ने, सुन मेरी बात को, जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है वो तुम्हें चंगा कर दिया। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जी भाई बता रहे कि 6 मिनट दोनों घुटने में दर्द था, जैसे आपने कहे कि छलांग लगाओ 3 बार चेक करो तुम्हारा घुटने के दर्द खत्म हो रहा है, उसी टाइम में भाई 3 बार छलांग लगाए, अभी 6 महीने के घुटने के दर्द से आजाद हो चुके हैं। अभी अभी कैसा लग रहा है? आराम हो गया। कहाँ से आए? कटकुइया। कटकुइया से? कब से दर्द था ये? 6-7 महीना से। ओ, ताली बजाओ यीशु के लिए जाओ और प्रभु की महिमा करो। हाँ हाँ, क्या गवाही है इसका, क्या गवाही है? हालेलुया। ममता देवी जानकी नगर रविंद्र नगर धूस से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 11 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। शादी किसका? 11 साल हो गया जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ममता सैनी। ममता सैनी, घर तेरा कुशीनगर है? रविंद्र नगर प्रीतम टोला, नादव प्रीतम टोला। रविंद्र नगर नादव प्रीतम टोला। ओके ओके, बेटा तेरा शादी को कितने साल हो गया था? 11 साल हो गए थे। और तेरे पास बच्चा नहीं है? अभी नहीं था। 11 साल हो गया, और तू 11 साल में तो बहुत जगह गई होगी जी, दवा भी कराई होगी, दिखाई सुनाई होगी जी, लेकिन तेरा कोई फायदा नहीं हुआ। पति का क्या नाम है तुम्हारा? मिथिलेश सैनी। मिथिलेश सैनी। और ससुर का क्या नाम है? श्री रामा माली। ओके ओके, मैं इसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि हो सकता है कि ये कहीं झूठे तो नहीं बुलवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है तो वो इंजाम लगाते हैं नबी के ऊपर, कि हो सकता है कि झूठे किसी को खड़ा करके। लेकिन इसका मैं पूरा एड्रेस आपको बता देता हूँ, एक बार इसके ससुर से या इसके पति से इसके गाँव में जाना तो पूछ लेना कि क्या सच है कि क्या झूठ है। आप समझ रहे कि नहीं? झूठ टिकता नहीं है, सच हटता भी नहीं है। सब बलहा ले लिया, आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर के दरबार में झूठ नहीं चलता है। झूठ अगर बोल भी कोई देता है तो हजम नहीं होगा, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर हम झूठ का परमेश्वर का इबादत करते हैं तो हम टिकाऊ नहीं रहेंगे। अगर सच्चा मेरा परमेश्वर है और सच में हम परमेश्वर के लिए दुआ करते हैं और सच में लोग ठीक होते हैं तो ये भीड़ बढ़ने वाला यीशु के नाम है, चर्च बढ़ने वाला यीशु। आप समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह सच्चा है, ये विश्वास करो, सच्चा है। इसलिए सच्चा व्यक्ति को लोग ताना मारते हैं, लोग बुरा भला बोलते हैं। आज के युग में आप जहां भी यीशु के नाम बता दो लोगों का हड्डियां कांप जाता है, बोलते हैं ये भूसा किसका नाम ले लिया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जो यीशु से मोहब्बत करता है उसको पता है यीशु प्यार करता है, यीशु दया करता है, यीशु अनुग्रह करता है, यीशु मोहब्बत करता है, यीशु कभी नहीं छोड़ता है, यीशु कोई जाति से प्रेम नहीं करता है, यीशु कोई धर्म से प्रेम नहीं करता है, यीशु किसी बिरादरी से प्रेम नहीं करता है, यीशु उससे प्रेम करता है जो उस पर विश्वास करता है। सब बलहा ले ले, जो उस पर विश्वास करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी बिरादरी क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो आशीष पाता है। सब बलहा ले लिया। लोग क्या कहते, कहते हैं कि चर्च में जो जाता है उसका धर्म बदलता है, ईसाई बन जाते हैं। इसमें कोई ईसाई बना है? कोई ईसाई है इसमें? किस चर्च में है कोई एक भी लोग? मैंने कभी बोला कि तू ईसाई बन जाओ, जात बदल लो? हमें जात से क्या मतलब? मैं बोलता हूँ पानी में नहा लो, और पानी में आपने नहा लिया और मन को साफ नहीं किया तो नहाने से क्या फायदा है? आप समझ रहे कि नहीं? मैं कहता हूँ जात बदल लो, और मान लो आप बदल लिए, जाति बदल गया और जीवन ना बदला, मन नहीं बदला, आप पाप करते हो, बुराई कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो मैं पापी ठहर जाऊंगा आपके विधि से। इसलिए आपको धर्म और जात नहीं, आपको जीवन बदलना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये कौन से बिरादरी से बेटी तू?
सैनी कौन बिरादरी होती है? माली। माली देखो जो माली वो होता है ना फूल वाला जी। देखो बेटी मैं तेरा धर्म बदल दिया? नहीं। जात बदल दिया? नहीं। क्रिश्चियन बना दिया? नहीं। बच्चा मिल गया तो? नहीं। कुछ नहीं। आप समझ गए कि नहीं? लोग अफवाह फैलाते हैं, जो सच नहीं है उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अगर मैं सच हूँ तो अभी तक खड़ा हूँ, 7 साल हो गए मुझे सेवकाई करते हुए, अभी तक खड़ा हूँ। अगर झूठ का होता तो 1 महीना में पता चल जाता। जो मैं करता हूँ ऑनलाइन लाइव करता हूँ, पूरा दुनिया देखता है। आप जहाँ बैठे हो कैमरे के नज़र में बैठे हो, हर जगह कैमरा। आप देखो इस लाइट के पास कैमरा लगा होगा, देखो उस लाइट के पास देखो, वो बाहर देखो, चारों तरफ से कैमरा लगा है। झूठ बोल के कहाँ जाएंगे? हम ऑफिस में बैठते हैं वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, पूरे चारों तरफ से बांस तक कैमरा लगा है, इधर कैमरा लगा है, चारों तरफ कैमरा लगा है। ऐसा नहीं है कि बिना कैमरा का हम, सच सच होता है। बोलो मेरा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए शैतान घबराया हुआ है, इसलिए लोग घबराए कहते हैं धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन। एक भी गवाही आकर मुझे साबित करके दिखा दे, एक भी कोई प्रूफ करके दिखा दे धर्म परिवर्तन, उस दिन से मैं सेवकाई करना छोड़ दूंगा। एक भी दिन जब मेरा नहीं बदला तो मैं दूसरों को क्या बदलूंगा? आप समझ रहे कि नहीं? यीशु धर्म जाति के लिए नहीं आया, यीशु मानव जाति के लिए आया, यीशु हमारे पापों के लिए आया। हमारे पापों का कारण मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मुर्दे में से जी उठा, आज भी जिंदा है, आने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है जाति जाति के लोगों मन फिराओ, स्वर्ग का राज नजदीक आ चुका है, अपने पापों से पछताव करो, अपने गुनाहों को कबूल करो, घुटना टेक लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं? बेटी को 11 साल के बाद करिए कि जब मैंने आपके पास आया, मैंने आपसे प्रार्थना कराया, अब ये प्रेग्नेंट है। कितने महीने का प्रेग्नेंट बेटा? 5 महीने। 5 महीने के जब ये बच्चा लेकर आएगी ना, अब सब मिठाई खाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तू ज्यादा मिठाई लेकर आना, पूरे चर्च को मिठाई खिलाएंगे। 11 साल कम नहीं होता है, इतना ताना सुनी होगी, इतना रोई से बच्चा दिया, इसके लिए ताली बजा दो जोर से, ताली बजाइए एक बार। और मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में जब तू आए खुशखबरी लेकर आए, और मैं तेरे खुशखबरी को देखूंगा और लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर। ताली बजाओ यीशु के नाम जोर से। आमीन। हालेलुया। जाओ बेटा जाओ, बोलो हालेलुया जी। क्या लेकर आई है? ओ दे दे मेरे हाथ में दे दो। ओ बोलो 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 यीशु की जय। जिंदा हालेलुया 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 जी। प्रभु जी, ये भाई का नाम दिनेश है और ये भाई मोतिहारी जिला के आया है गवाही देने के लिए। मोतिहारी जिला जी। प्रभु जी, ये भाई की गवाही है कि 2018 में ये भाई को बुखार हुआ, फीवर हुआ, और फीवर की वजह से इनकी पैर में ज्यादा लोड पड़ा तो एक पैर काम नहीं करता और उस पैर से चल भी नहीं पा, जब चलते थे तो गिर जाते थे। और ये भाई उसी 2018 में ये बीमारी हुआ और ये भाई यहाँ पे आए थे और इधर विकलांग एरिया में बैठे थे, जो आप सबके लिए प्रार्थना करते थे, उसी टाइम ये भाई की प्रार्थना किए, पैरों में बल आया, अपने पैरों से घर से चल के आए हैं भाई। और एक और गवाही है प्रॉब्लम थी। कौन सी पैर में प्रॉब्लम थी आपकी? कौन सी पैर में था? क्या हो गया था? वो जैसे टटास हो रहा था, काम करने से बल नहीं आता था और दिक्कत होता था, बहुत वजन उठाते थे, ताकत नहीं मिलता था, पैर में बल नहीं मिलता था। तो जब आपने आया, आपके लिए मैंने दुआ किया, प्रार्थना किया, उसके बाद आप गए, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको बल मिल रहा है? बहुत। अभी आपको ताकत मिल रहा है? मिल रहा है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? हम गुदगुदी गाँव से आए हैं। गुदगुदी मोतिहारी जिला, गुदगुदी गाँव का नाम होगा। गुदगुदी गांव के, अच्छा नाम है, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। जी, और एक गवाही है, 9 साल से ये भाई दारू पीते थे। दारू भी पीते? 9 साल से दारू पीते, एक दिन में 1.5 से 2 बोतल दारू पी लेते थे।
और जब यहाँ पे जब सबके लिए आप नशा के लिए प्रार्थना करते थे उसमें ये भी भाई थे, आपने गले लगाए थे और प्रार्थना किए थे। जब प्रार्थना करके एक घर गए तो उसी समय दो दिन के बाद ये दारू पीने के इनके मन नहीं किया, तब से आप दारू छोड़ दिए हैं। आपको दारू छोड़ दिए? हाँ छोड़ दिए, यहाँ आने से एक दिन दूसरे दिन के बाद मैं बिल्कुल छोड़ दिया। अब दारू नहीं पीते हो? नहीं पीता, बर्दाश्त नहीं होता है। अब देखता हूँ तो जलन होती है, दारू देखते तो जलन होता है। हाँ। काश सारे लोगों को जलन होने लगता, सब ऐसे ही बदल जाते हैं। परमेश्वर ब्लेस करेगा, बदल जाएंगे। परमेश्वर ब्लेस, देखो कितना दूर से बेचारा आया, कह रहा है कि जिस दिन मैंने आपसे गले लगाकर गया यहाँ से जाने के बाद, कह रहा है दूसरा दिन मैंने नशा करना छोड़ दिया और आज तक मैंने नशा पर हाथ नहीं लगा। कह रहा है कि अब मैं देखता हूँ तो जलन होता है, अच्छा नहीं लगता है। औरत कह रही थी काश हमारो पति कई तरह हो जाए थे, जब पी के आता था खूब झगड़ा करता है। आज मैं नशा के लिए दुआ करूंगा, जिसका पति आया है उसको रेडी रखना, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, आज परमेश्वर नशे से मुक्त करेगा। आमीन, जाओ ब्लेस हो जाओ। हाँ हाँ हालेलुया। देखो वकील आया कि नहीं, वकील हालेलुया। ये बहन रीना देवी, ये बहन लखनऊ से आई है गवाही देने के लिए, लखनऊ से। ये बहन की ये गवाही है कि एक साल हो गया था कोई बच्चे नहीं थे। हाँ। जब ये बहन आपसे ले हैंड प्रार्थना करा के गई, जब ये बहन का डिलीवरी होना था, जब हॉस्पिटल में इनके घर के लोग लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा तो इनके घर के लोग, जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, हॉस्पिटल से प्रेयर टावर के नंबर पे फोन किए, यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के एक घंटे के बाद डिलीवरी नॉर्मल हुआ। हालेलुया। बेटी हुई? बेटा है कि बेटी है? हालेलुया। बेटी है, अगला बेटा आएगा भी। आशीर्वाद देता हूँ। देखो प्रार्थना करके गई, इसको बच्चा मिल गया, ताली बजाओ। जो कोई मांगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाए, कटाए तो खुल जाएगा। लखनऊ से आ गए हैं आप, लखनऊ जाते हो गए 6 घंटा 7 घंटा लगता है। लखनऊ से बेचारा बच्चा मिल गया, गवाही देने का आया, बताने आया कि मैंने जो मांगा पा लिया। समझ रहे कि नहीं? आप भी जो मांग रहे हो मिलने वाला है, आप गवाही देने वाला यीशु मसीह के नाम है। बोला आमीन। हम गवाही को बाद में लेंगे, थोड़ा सा वचन में जाएंगे, मैंने हम आपको 1:15 बजे छुट्टी भी कर देंगे, क्योंकि आपको दूर दूर जाना होता है। अपने वचन को खोलो और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए भजन संहिता उसके 37 उसके 4 आयत, भजन संहिता 37 उसके 4 आयत वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष देगा। निकालो जल्दी से मेरे साथ। ये आप क्यों चले गए, आपको कौन बोला जाने के लिए? आप वचन पढ़ो। हाँ निकालो जल्दी से। और हम ब्लेस कर रहे हैं आज, हम कुछ लोगों के लिए नशा के लिए दुआ भी करेंगे, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली प्रार्थना चाहते हैं। बोलो आमीन। हाँ हाँ, एक वचन पढ़े भजन संहिता 37 उसका 4 आयत में क्या लिखा? यस हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, कहता है यहोवा को मूल समझते हो। अगर आज अपने परमेश्वर का अपना सुख समझ रहे हो, आज अपने परमेश्वर का अपना सुख के मूल समझ रहे हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे मनोरथों को पूरी करूंगा सफल। हालेलुया। कहता है अगर तू परमेश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करते हो, उस पर विश्वास करते हो, उस पर आशा रखते हो, तो कहता है मैं तेरे मनोरथों को पूरी कर। मनोरथों को मतलब क्या होता है? मन कामना।
मनोरथों का मतलब होता है मनकामना, जो हमारा मनकामना है, जो आप मनकामना लेकर आए हो, जो आप आशा और विश्वास लेकर आए हो, वो सब पूरा होने वाला है। लेकिन कहता है यहोवा को अपना सुख के मूल जान। आज आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारा सुख कौन है। सुख आपको कोई और नहीं है, सुख है परमेश्वर का वचन, सुख है परमेश्वर, सुख है पवित्र आत्मा, सुख है उपवास करना, सुख है प्रार्थना करना, सुख है दान करना। जब आप ऐसा काम करते हो आपके घर में सुख आता है, लेकिन जब आप गलत काम करते हो आपके घर में दुख आ जाता है। आप समझ रहे काहे रो रहे, काहे रो रहे? अब पीछे वाला भी रो रहा है। ऐसा करो बच्चों को हवा में बैठो, पंखा मूल समझ। कितने समझते हैं कि परमेश्वर मेरा सुख है? परमेश्वर को सुख समझो कि वो मेरा सुख है। कहता है धन है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, वो आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। आप समझ रहे कि नहीं? आपके लिए परमेश्वर बड़ा योजना बना के रखा है, आपके लिए परमेश्वर बड़ा प्लान बना के रखा है, आपके लिए बड़ा कुछ देना चाहता है। आप जो मांगते हो ना वो छोटा मांगते हो, लेकिन परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपको देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। वचन आगे क्या लिखा? और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और वो तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता, घर की चिंता, संपत्ति की चिंता, दौलत की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हर चीज का हिफाजत करेगा। आप अपना चिंता करते हो, अपने घर का चिंता करते हो, परिवार का चिंता करते हो, बच्चों को चिंता करते हो, आप जिसका चिंता करते हो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, वो संकट हो जाती है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप दौलत के पीछे भागते हो तो दौलत आपके से दूर भाग जाता है। अगर आप किसी जिसके पीछे भागे हो आज तक, आपसे वो दूर भाग गया है, लेकिन प्रभु के पीछे भागोगे वो कभी दूर ना भागेगा। इसलिए परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसको याद करके, उसका स्मरण करके सारे काम काज करो तो तुम्हारा सारा काम सफल हो जाएगा। आपके पीछे हो सकता है दुष्ट आत्मा लगाओ, हो सकता है शैतान लगा, हो सकता है दुश्मन लगा है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आज से परमेश्वर आपको जीवन को बदलने जा रहा है। बोले आमीन। आमीन। जैसे आज दिन हुआ वैसे शाम होगा, फिर सुबह होगा, वैसे आज शाम होने से पहले खुशखबरी मिलने वाला है, खुशखबरी मिलने वाला है, खुशखबरी मिलने वाला है, खुशखबरी ऐसा होने वाला है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का लोग लड़ाई करेंगे क्या? हाँ ठीक है, बैठ जाएं। हालेलुया, जोर से जोर से। छोड़ दो, छोड़ दो भाई, लड़की छोड़ो, हाय टच। अभी शुरुआत हो रहा है, अभी सबके लिए मुझे दुआ करना है। आज मैं दुआ करूंगा सबके अंदर, इसलिए डरना नहीं है। आगे क्या लिखा वचन में पढ़ो तो। यस, अपने मार्ग की चिंता या धर्म ज्योति के समान। पीछे से बैक हो गए, पढ़ो फिर से क्या लिखा है। आगे हाँ, पीछे की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कितने लोग हैं जो अपना चिंता, अपना संपत्ति परमेश्वर को दिए हैं? क्या बोला? जल्दी बोला ना, उसको लेट होगा। हाँ, एक व्यक्ति था, सुनो मेरे बात को ध्यान से। एक व्यक्ति था, वो प्रार्थना कर रहा था, कह रहे थे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे घर आ जाओ। क्या कह रहा था? हे परमेश्वर मेरे घर आ जाओ। अगर परमेश्वर आपका घर आएगा आप खुश हो गए कि नहीं होंगे? अगर परमेश्वर आपके घर जाए खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मैं आपके घर जाऊं खुश हो गए कि नहीं होंगे? कितने घर ले चलोगे मुझे? यस, आप लोग ले चलोगे मुझे अपने गांव, अपना घर? मैं जिसके घर जाऊंगा उसका घर का हालात बदल जाएगा। आमीन। जब प्रार्थना करने से हालात बदल सकती है, तो अगर मैं घर चले गया तो क्या हो सकती है? आप समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था परमेश्वर मेरे घर आइए, मेरे घर आइए। बड़े निराश था, प्रार्थना कर रहा था। एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा चलो चल के देखते हैं इसके घर, ये मेरे साथ क्या व्यवहार करता है, चलो चलते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, उस व्यक्ति का घर चले गया।
जैसे उस व्यक्ति को घर गया, दरवाजा पर गया, दरवाजा खटखटाया, खट 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 खट, उस व्यक्ति ने आया, दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोलता है सामने परमेश्वर खड़ा दिखाई देता है। हालेलुया, कितने अच्छी बात है ना, अगर हम दरवाजा खोले और सुबह के समय प्रभु खड़ा दिखाई दे, अगर हम शाम को दरवाजा खोले और शाम के समय देखे कि हमारे दरवाजे पर परमेश्वर खड़ा है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, आज खड़ा होने वाला है यीशु के नाम। आमेन। आप समझो इस बात को, उसने दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला उसको क्या दिखाई देता है, सामने परमेश्वर खड़ा है। वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था, इतना खुश हो गया, इतना खुश, इतना खुशी के मारे वो समझ नहीं रहा था क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुश होकर प्रभु के हाथ को पकड़ा और ऊपर लेकर गया, दो मंजिल पर लेकर गया। दो मंजिल पर जाने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा कि हे परमेश्वर आप यहां पर आराम करो, क्या करो, आराम करो। परमेश्वर ने बैठ गए। अब उसने तुरंत गया, बिस्कुट लेकर आया, नमकीन लेकर आया, रसगुल्ला लेकर आया, छेना लेकर आया, बर्फी लेकर आया, मतलब जो उसके मन किया लेकर आया, उसने सब लेकर आया और प्रभु को दिया, कह रहा कि पानी पी लीजिए। परमेश्वर ने पानी पी लिया। थोड़े समय के बाद उसने कहा कि हे प्रभु मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया हूँ, वो भी खा लीजिए। परमेश्वर ने खाना भी खा लिया, वो सब कुछ सही हो गया। उसके बाद उसने कहा कि हे प्रभु अब आप क्या करिए, आराम करिए, क्या करिए, आराम करिए। परमेश्वर आराम करने लगे। थोड़े समय के बाद क्या होता है, फिर दरवाजा खट खट की आवाज आने लगता है, खट खट की आवाज आने लगा। वो व्यक्ति फिर दौड़ते हुए जाता है, दरवाजा खोलता है और जैसे दरवाजा खोलता है उसके सामने शैतान खड़ा दिखाई देता है। उसके सामने कौन खड़ा है, शैतान खड़ा दिखाई देता है। और शैतान जैसे खड़ा दिखाई देता है उस व्यक्ति को शैतान पटक पटक के मारता है जिसके घर में यीशु जी बैठे हैं। उस व्यक्ति को शैतान पटक पटक के मारता है, पटक पटक मारता है। वो बेचारा सोचता है कि मेरे घर में यीशु है, मेरे घर में प्रभु है, लेकिन फिर भी शैतान हमको मार रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो चर्च आते हैं, हम बीमार फिर हो जाते हैं, फिर परेशानी हो जाता है, क्या कारण है? वो व्यक्ति लगा सोच रहे कि मेरे घर में प्रभु है और शैतान मुझे पटक पटक कर मार रहा है और परमेश्वर हमको बचाने के लिए भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। उसी समय वो रोते हुए सीढ़ी पर चढ़ के जा रहा है, परमेश्वर को बताता हूँ, जाता है परमेश्वर के सामने, गुस्सा करता है, जब आप हमारे घर में हैं तो शैतान मुझे क्यों मारा, आप मुझे बताओ। परमेश्वर कहते हैं बेटा मेरे पास है, कोई मेरे पास आ जाए, कोई मेरे व्यक्ति मेरे पास आ जाए, आप ही आ जाओ ना, ये पत्नी काम लगे, आप आ जाओ। परमेश्वर ने कहा बेटा मेरे पास आ जाओ, इधर आप समझ रहे क्या कि मेरे पास आओ, ध्यान से समझोगे आज आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, ये गुस्सा होकर रहा है कि आपने मुझे बचाने नहीं आया, वो मुझे मार रहा था, शैतान मुझे ऐसा कर रहा था, आप मुझे छुड़ाने नहीं आया, लेकिन परमेश्वर कहा मेरे पास आओ। परमेश्वर ने कहा कि एक बात मुझे बता, तूने प्रार्थना किया, मुझे बुलाया, मैं तेरे घर आया, माइक में बोला मैं आया कि नहीं आया, यस आप आ गए, आ गए, आपने खाना दिया, मैं खाया कि नहीं खाया, यस खाए, नाश्ता कराया किया कि नहीं किया, यस, पानी पिलाया पिया कि नहीं पिया, यस, सोने को बोला सोया कि नहीं सोया, यस, तूने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन क्या इस घर का मालिक तू मुझे बनाया, नहीं, क्या अपना खेत बारी का मालिक मुझे बनाया, नहीं, क्या ये घर के दरवाजे की चाबी मुझे दिया, नहीं, जब मैं इस घर का मालिक नहीं हूं तो तुम्हें बचाने कहां से आऊंगा। कितने समझ रहे हो, हालेलुया, जब मैं इस घर का मालिक हो ही नहीं तो मैं कौन होता हूं तुम्हें बचाने वाला, बता। अगर मैं इस घर का मालिक होता, ये दरवाजा का चाबी मेरे हाथ में होता, इस घर का स्वामी मैं होता, तो दरवाजा तुझे नहीं खोलना पड़ता, फिर दरवाजा मैं खोलता और जब शैतान मेरे को देखता तो उसको पता लग जाता ये घर का मालिक कौन है। सब बला ले ले, हालेलुया। आज तक आपने अपने घर का मालिक परमेश्वर को नहीं बनाए, अगर आप अपने घर का मालिक परमेश्वर को नहीं बनाए हो तो घर में विपत्तियां तो आएंगे, क्योंकि वो मालिक है नहीं।
आप प्रार्थना करते हो दर्द चले जाता है, लेकिन मालिक नहीं बनाते हो, अपने शरीर पर अधिकार नहीं देते हो, अपने बच्चों पर अधिकार नहीं देते हो, अपने गाड़ी घोड़ा पर अधिकार नहीं देते हो, अपना धन संपत्ति जमीन पर अधिकार नहीं देते हो। जिस दिन परमेश्वर का मालिक बना दोगे, उस दिन से एक भी विपत्ति तेरे घर के पास नहीं आएगा। कारण यही है कि हम अपने आप का मालिक है, हम अपना घर का मालिक है, बच्चों का मालिक है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू जब तक मालिक रहेगा तेरे घर में नुकसान होगा, लेकिन तेरा घर का जिस दिन मैं मालिक बन जाऊंगा उस दिन से एक भी नुकसान तेरे घर का नहीं होगा। उसी समय वो व्यक्ति समझ गया कि इसका मतलब मेरा गलती है। अगर मैं इस घर का मालिक, इतना सुंदर घर बनाया, प्रभु का मालिक बना देता, तो रात को कौन आता है कौन नहीं आता उससे मेरा मतलब नहीं रहता। उसने क्या किया, परमेश्वर को चाबी दे दिया और कहा कि हे परमेश्वर, आज से मेरे घर का मालिक तू है, आज से मेरा स्वामी तू है, चलो मेरे साथ अपना चाबी घर का दे दो परमेश्वर को। हे परमेश्वर, आज से मेरे बच्चों का मालिक तू है। बोलो अपने मुंह से बोलो, हे परमेश्वर, आज से मेरे बच्चों का मालिक तू है, मेरा घर का मालिक तू है, मेरे खेती बाड़ी का मालिक तू है, मेरे गाड़ी घोड़ा का मालिक तू है, जो कुछ मेरे पास है वो सबका मालिक तू है, आज से तू मेरे घर का रक्षा कर। आमीन। आप समझ गए कि नहीं? और जैसे उस व्यक्ति ने चाबी दे दिया, चाबी परमेश्वर के हाथ में आया, मालिक परमेश्वर ने बना, थोड़े समय के बाद शैतान फिर आया, दरवाजा खटखटाने लगा, और जैसे दरवाजा खटखटा रहा था वो व्यक्ति दौड़ के जा रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक के बोला, उसके कहा अरे अब तू यहीं रुक जा, तू रुक यहाँ पर। कहता अब तू बैठ, कहता तू यहीं बैठ, मालिक अब मैं बन गया, दरवाजा कौन खोलेगा? परमेश्वर। दरवाजा कौन खोलेगा बोलो? कहा क्या है बेटा, तू बैठ, रात को सो, तुझे पता है रात को कौन आता कौन जाता है? तू नहीं जानता है, लेकिन अगर घर का मालिक मैं हूँ तू सोएगा, आज मैं तेरे लिए जागूंगा। सब बला ले ले, हालेलुया। परमेश्वर कहा तू सो, मैं तेरे लिए जागूंगा, और कहा तू बैठा रहा, मैं जाता दरवाजा खोलता हूँ। और जैसे परमेश्वर दरवाजा खोलता है, सामने शैतान खड़ा है, शैतान देखता है कि परमेश्वर के घर में खड़ा है, शैतान इतना तेज भागते इतना तेज भागते। हालेलुया। फिर लौट के कभी नहीं आया। मैं कह रहा आज अगर अपना घर का मालिक परमेश्वर को बना दोगे, आपका सिर्फ घर का नहीं अपने शरीर के भी मालिक परमेश्वर को बनाओ। जो व्यक्ति अपने शरीर का मालिक परमेश्वर को बनाता है उसके अंदर जल्दी से बीमारी नहीं आती है। बीमारी आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि मेरा यह शरीर यह घर परमेश्वर का रहने का घर है, जिस घर में परमेश्वर रहता है उस घर में विपत्तियां नहीं आती है। हालेलुया। लेकिन आज लोग परमेश्वर को अपने घर में नहीं बुलाते हैं, आज लोग दारू अपने घर में बुलाते हैं, बीड़ी को बुलाते हैं, सिगरेट को बुलाते हैं, आप समझ रहे कि नहीं, नशा को बुलाते हैं। जब नशा को बुलाओगे तो परमेश्वर कहां से आएगा? जब बुराई को बुलाओगे तो परमेश्वर कहां से आएगा? नशा आएगा तो शैतान आएगा, और शैतान आएगा आपके घर को बर्बाद करके रख देगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा कैंसर कहां होता? मुंह में होता है कि नहीं होता है? कैंसर मुंह में कैंसर हो रहा है कि नहीं? हुआ कि नहीं? पियोगे दारू? खड़ा कर उनको, स्टैंड अप, माइक लगाओ वहां पर, ओए दौड़ के जाओ। किधर है तुम लोग माइक वाले लोग? अनिल हुआ करा को तुमने पहले, वो खुद करेगा, वो तू जितना कर रहा है उतना कर। हाँ, इसके घर वाला कौन है? घर वाला कौन है? घर वाला कौन है? ए घर वाला उठ जा, पत्नी कौन? पत्नी है जी, पत्नी है। तू कौन है? पत्नी। दारू पीते थे जी, गुटखा खाते थे जी, अब पीते हैं? नहीं। पिला दे एक बार और मर जाते हैं, मुआ दे अब कोई फायदा नहीं इसे। पियोगे दारू? देखो दारू पीने के बाद क्या हालत हो, उठाओ गमछा दिखाओ लोगों को जो दारू पीते हैं, दिखाओ, चेहरा घुमा, चेहरा घुमा, घुमा चेहरा पूरा, देखो ये दारू का दशा है, घुमाना तुझे। पियोगे? नशा करने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, देखो इसका दशा, ताक लो इसके तरफ, कितना दारू पीते थे? बहुत ज्यादा। तू मना करती थी जी? नहीं मानते थे? हम तो मानते थे। देख लो, मना करने के बाद तो बुरा लगेगा कि पत्नी मना करती है। देखो आपके सामने गवाही है, जब मना करते थे तो हम मानते थे। ये लड़की का अब कौन रखवाला होगा? इतना जबरदस्त कैंसर इसको हो गया, ये पूरा गलफड़ खत्म हो गया है, ये रोई भरा हुआ है, देखो आपके सामने। क्या बीड़ी हमारा जिंदगी है? क्या सिगरेट ही हमारा जिंदगी है? क्या दारू ही हमारा जिंदगी है? और बच्चे बीबी माँ बाप कुछ भी नहीं है?
इसलिए सुधर जाओ, अपने शरीर का मालिक शैतान को मत बनने दो, परमेश्वर का मालिक बनाओ, वो तुम्हारा रक्षा करेगा। सब बलहा ले ले, हालेलुया। कि नहीं अब पीते हैं बीड़ी बेटा? नहीं। सिगरेट पीते हैं? दारू हो रही? पियोगे? मेरे पास आओ, चलो सुधर गए तो चल रहे हो। छोटे छोटे बच्चे आपके भी होंगे, नए नए शादी आपका भी हुआ होगा, आपके भी माँ बाप का भरोसा आपके ऊपर होगा, आपका भी दशा जब ऐसा होगा कौन पूछेगा? ये पता है ये कमाते नहीं होंगे ना, तो इसको पैसा भी नहीं मिलता होगा, इसका इनका भाई भी नहीं पूछते होंगे इसको। खर्चा खर्चा कहाँ से चलता बेटा तेरा? बड़े भसुर ने दिए थे, देवर ने दिए। देवर और भसुर दिए? कब तक देंगे? कोई भरोसा है? वो तो अच्छे होंगे तो दे दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, भवैया गरीब भैया तो थोड़ा सा दे देते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन सबका भसुर अच्छा नहीं होते हैं, सबका देवर अच्छा नहीं होता है, अगर वो ना दे तो क्या करोगे? आप समझ रहे? कितने समझ रहे मेरी बात को? इसलिए ये काम मत करो। कितने बच्चे तेरा? एक बच्चा है। और अब कमाती है ही नहीं? नहीं। अगर अगर इसका मन करे, इधर अगर इसका हाथ उठा, अगर इसका मन करे कि मैं 1000 का साड़ी ले लूं, ले पाएगी क्या? नहीं। किसके बल पर लेगी? किसके बल पर लेगी ये? इसका कौन है जो 1000 का साड़ी देगा? यही दे सकता है और यही बर्बाद हो गया है। अपने पति को समझाओ, नहीं समझता तो मुझे मिलवाओ। मत ऐसे करो। परमेश्वर कहता है मैं तब तुम्हारे अंदर काम करूंगा जब तू गंदा खाना छोड़ देगा, तब मैं तेरे अंदर काम करूंगा। आप दारू पीते हो, आप बीड़ी पीते हो, आप सिगरेट पीते हो और कहते हो मेरे घर में शांति आ जाए, 100 बार भी दुआ करूंगा नहीं आएगा, लिख लो 100 बार। आप मेरे चर्च आओ या मत आओ उससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप देश के कोने में चले जाओ और गलती नहीं सुधारोगे कोई फायदा नहीं होगा, ये बात को ध्यान रख लेना। आप समझ रहे कि नहीं? अपने हाथों उठाओ और बोलो आज हम ऐसा गलती नहीं करेंगे कि मेरा जिंदगी तबाह हो जाए, मेरा घर तबाह हो जाए, मेरा लाइफ तबाह हो जाए, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। आमेन। अभी अभी जब मैं दुआ करूंगा, कौन नशा करते इसमें से? कौन इतना चाहता है कि आज से हम अपने पत्नी पर ध्यान देंगे, बच्चों पर ध्यान देंगे, माँ बाप पर ध्यान देंगे? कौन है जो नशा छोड़ना चाहता है? कोई है इसमें? मैं उसके लिए दुआ कर सकूं? थोड़ा खड़ा होकर दिखाओ कि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। कौन है? क्या इनको देखने के बाद आपको लगा कि हमें दारू छोड़ देना चाहिए, नशा छोड़ देना चाहिए, हमें बचना चाहिए, हमें अपने शरीर को बचा लेना चाहिए? क्या आपको लग रहा है ऐसा करना चाहिए मुझे? अगर ऐसा लग रहा है मैं आज आपको गले लगाकर दुआ करूंगा, लेकिन मैं गुरु होने के नाते नहीं, मैं पिता होने के नाते नहीं, मैं आपके दोस्त होने के नाते कहता हूं ऐसा जिंदगी हो जाएगा कोई पूछने वाला ना होगा। आज से अपना जीवन को सुधार कर रखना है, ब्लेस रखना है, अच्छा रखना है। अच्छा रहोगे दुनिया आपके पीछे घूमेगा, बेकार हो जाओगे लोग लात मारेंगे, इस बात को ध्यान रखना, कोई नहीं पूछता है। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर को आप कहां खोजने जाते हो? फूलों में, बगीचा में, खरियान में, मकान में, जंगलों में, पहाड़ों में, कहां खोजते हो? परमेश्वर तो हमारे अंदर रहता है। जिस दिन हम अपने मन को साफ कर लेंगे, जिस दिन हम अपने विचार को साफ कर लेंगे, जिस दिन अपने मुंह को साफ कर लेंगे, आंख को साफ कर लेंगे, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? इनके लिए दुआ करो। चलो आ जाओ, बैठो घुटना के बल। चलो अपना हाथ बढ़ाओ, हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको जीवन को बकस दे और मेरा विश्वास से बकस देंगे परमेश्वर। आमेन। लेकिन ठीक भले के बाद अगर पी हैं या खई हैं तो जो ही है, समझ गए कि नहीं? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हो? हमारा कर्तव्य दुआ करना भाई कि जो भी आएगा उसके लिए, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन को बकस दे, इनके लाइफ को चेंज करते परमेश्वर। अब ये अपने गलती को मान चुका है कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गलती कर लिया, अब इससे गलती ना हो। पिता इस पर रहम कर दे, इस पर रहम कर, यीशु के नाम में।
परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तो मूर्तों को जिंदा करता, कोरियों को शुद्ध करता, पापियों को पाप क्षमा करता, और तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अपने सामर्थ से भर दे यीशु के नाम में, मैं आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, इनके ऊपर दया आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कैंसर से मुक्त हो, ये गवाह बने, इस बेटी के पास किसी चीज़ की घटी ना हो, हर जरूरतें पूरी की जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास रखो तुम ठीक हो रहे हो, लेकिन फिर गलती मत करना, जाओ ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से।